दोस्तों, समाज में अक्सर ऐसे लोग फलते फूलते देखे गए हैं जो बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग अक्सर अपना जीवन दुख, चिंता और अभाव में जीते देखे गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है? और इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले किस प्रकार अपने जीवन में संपन्नता, खुशी, पैसा और सुख और ऐश्वर्य भोग पाते हैं? आपके मन में सारे उठे हुए सवालों के जवाब आपको इस बोध कहानी में मिलेंगे। कहानी छोटी सी है, मगर मन के सभी संशय, सभी शक, सभी संदेह दूर करने वाले हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता था जिसके अधीन बहुत सारे राज्य आते थे। अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना ही उसका एकमात्र कर्तव्य रहा करता था। लेकिन धूप और छांव की तरह जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमेशा इंसान को वो हासिल नहीं होता जो वो सोचता है। कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, और ऐसी ही परिस्थितियां उस सम्राट के सामने खड़ी हो गई थी। इतने वर्षों से जो प्रजा अपने धर्म का पालन करते हुए आ रही थी, अब वही प्रजा बागी हो गई थी। प्रजा में लूट, चोरी, डकैती और नफरत बढ़ने लगी थी, और इसी वजह से उसके राज्य में अशांति फैलने लगी थी। सम्राट दिन रात चिंतित रहने लगा। उसे समझ में नहीं आता था कि वो अपनी प्रजा को किस प्रकार का उपदेश दे, किस प्रकार उन्हें समझाएं कि मेहनत करने से ही जीवन में असली खुशी आती है। चोरी करना, डकैती करना, दूसरों से घूस लेना, रिश्वतखोरी या फिर दूसरों का हक मारना, ये सब बुरे कर्म होते हैं और इनका नतीजा भी बुरा ही होता है। लेकिन सम्राट तो ये बात समझ रहा था, और जब वो अपनी प्रजा को ये बात समझाने की कोशिश करता तो उसकी प्रजा उसकी बात को समझ ही नहीं पाती थी। जब भी वो अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश करता, तभी उस प्रजा में से कोई ना कोई इंसान ऐसा सवाल पूछ लेता जिसका जवाब उसका उत्तर उस सम्राट के पास था ही नहीं। आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद भी जब सम्राट को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने अपने राजदरबार में सभी विद्वानों की, सभी मंत्रिमंडल की एक सभा बुलाई और इस प्रश्न को सभी के सामने रखा और सबसे इसका उत्तर पाने की आशा जताई और कहा कि अगर कोई विद्वान इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो मैं अपनी प्रजा में खुशहाली पहले की तरह वापस ला सकता हूं। इसीलिए जो भी विद्वान या जो भी मंत्री इस प्रश्न का सही जवाब देगा, मैं उसे 1000 सोने की मुद्राएं अपनी तरफ से भेंट करूंगा। सभी ने कौतूहल के साथ वो प्रसन्न सम्राट से पूछा, तो सम्राट ने सभी को बताया कि प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। मेरी प्रजा मुझसे यही जानना चाहती है कि अगर डकैती, चोरी, घूसखोरी या फिर दूसरों का हक मारना बुरा कर्म है, तो ऐसे लोग अच्छा जीवन क्यों जीते हैं, और जो लोग कोई भी बुरा काम नहीं करते वो जीवन में इतनी परेशानी क्यों झेलते हैं। सम्राट ने सभी से याचना की कि मैं कोई ऐसा उत्तर चाहता हूं ताकि अपनी प्रजा के बीच पहले की तरह व्यवस्था कायम कर सकूं, उन्हें सही धर्म का मार्ग दिखा सकूं, उनके सामने साबित कर सकूं कि बुरा कर्म करने का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन मेरे पास इसका कोई ऐसा तर्क नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं, और इसीलिए मेरी प्रजा के ज्यादातर युवा मेहनत करने की जगह चोरी, डकैती या फिर इसी तरह के दूसरे बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं। उनको बाहर निकालना चाहता हूं, अपने राज्य में फिर से शांति कायम करना चाहता हूं। कोई भी विद्वान जो अपने तर्क से मुझे संतुष्ट कर देगा, उसका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। उसके इस उत्तर के लिए मैं और मेरे राज्य की सारी प्रजा हमेशा जीवन पर्यंत उसके कृतज्ञ रहेंगे। इसका उत्तर देते हुए एक मंत्री ने सभा में खड़े होकर सबको संबोधित करते हुए कहा कि राजन, हो सकता है कि कर्म का फल अभी प्राप्त न हो, लेकिन आने वाले समय में उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। हो सकता है उसने जवानी में बुरे कर्म किए हों, लेकिन बुढ़ापे में उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। ये विधि का विधान है। इस पर सम्राट ने उत्तर दिया कि मंत्री जी, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन परांत बुरे कर्म करते रहते हैं, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, लेकिन उसके बावजूद वो सुख, संपन्नता, वैभव और भोग विलास को भोग कर ही मरते हैं। कोई भी कर्म का विधान जो कथन आप कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने वो गलत साबित होते हुए देखा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। इस पर उस मंत्री ने उत्तर दिया कि राजन, हो सकता है कि उसे अपने कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त ना हुआ हो, लेकिन अगले जन्म में तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही हमेशा दुख में रहते हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ऐसे दुख कुछ लोगों के साथ जन्म से ही जुड़े होते हैं। भला ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है? कुछ लोग जन्म से ही अंधे पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग अपंग हो जाते हैं। तो इस जन्म में ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है जो उन्हें ये फल भोगना पड़ा?
इस बात का उत्तर देते हुए सम्राट ने कहा कि मंत्री जी, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अगले जन्म पर विश्वास ही नहीं करते। तो क्या ऐसे लोगों को कर्मों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए? क्या उनके लिए कर्मों के कोई मायने नहीं है? अगर इस जन्म में ही कर्मों का फल प्रमाणिक रूप से सबके सामने मिले, तब तो लोगों का विश्वास कर्म के सिद्धांत पर कायम हो। लेकिन अगर उनके सामने जीते जी उस कर्म का फल आए ही ना, तो भला लोग कर्म के सिद्धांत को मानेंगे ही क्यों? और मुझे तो अपनी प्रजा को समझाना है, भला मैं अपनी प्रजा को ये तर्क देकर किस प्रकार समझा पाऊंगा? प्रजा में तो हर तरह के लोग उपस्थित होंगे जो अगले जन्म को मानते भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अगले जन्म में विश्वास ही नहीं रखते। भला उन लोगों को मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा? सम्राट का ये उत्तर सुनकर एक और विद्वान सभा में खड़ा होकर उत्तर देता है कि राजन, हो सकता है कि एक बुरा कर्म करने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत सुख से रहे, लेकिन उसकी आने वाली संतान तो उसके कर्मों का फल भोगेगी। जो कर्म उसके पिता ने किए होंगे, उसका फल उसकी संतान जरूर भोगती है, अवश्य भोगती है। ये उत्तर सुनकर सम्राट को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि यह विद्वानों की सभा है, जरा सोचकर बोलिए। अगर एक इंसान कर्म कर रहा है, अगर एक मनुष्य खुद के कर्म संचित कर रहा है, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा उसके कर्म का फल भोगे? एक तरफ तो हम कहते हैं कि मनुष्य इस जीवन में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। न मनुष्य किसी का पुत्र है, न किसी का बेटा है, न किसी का पति है, बस वो एक चरित्र निभा रहा होता है। जीवन में अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता के द्वारा किए हुए बुरे कर्मों का फल उसका बेटा ही क्यों भोगेगा? उसकी पत्नी भी भोग सकती है, उसके पोते भी भोग सकते हैं। भला उसके बेटों ने ऐसा क्या गुनाह किया है? ये बात किसी रूप से दूर दूर तक तार्किक नहीं है। इस उत्तर से तुम खुद के मन को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन एक तेज बुद्धि वाले मनुष्य को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ऐसे उत्तर लेकर आओ जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं, और मैं संतुष्ट होने के बाद अपनी प्रजा को संतुष्ट कर सकूं। सभा में खलबली मच गई। किसी के पास अब कोई उत्तर नहीं बचा था। लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि तभी उस दरबार में एक भिखारी आ पहुंचता है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। वो हाथ जोड़कर उस सम्राट के सामने खड़ा हो जाता है। विद्वान उसे देखकर क्रोधित हो जाते हैं। वो सम्राट से कहते हैं कि राजन, आपने यहाँ विद्वानों की सभा बुलाई है, यहाँ पर ये भिखारी क्या कर रहा है? ये सुनकर सम्राट अपने दरबारियों को बुलाकर पूछता है कि तुमने इस भिखारी को राज दरबार में क्यों घुसने दिया? तब दरबारी कहते हैं कि राजन, हमने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यह बार बार कहता रहा कि जो प्रश्न सम्राट के मन में उठ रहे हैं, उनका जवाब मेरे पास है, उनका मैं उत्तर दे सकता हूं अगर मैं एक बार राज दरबार में पहुंच गया, और इसके बार बार याचना करने पर हमने इसको अंदर आने दिया। ये सुनकर सभी विद्वान जो सभा में उपस्थित थे और सभी मंत्रिमंडल ठाके मार मार कर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रश्न का जवाब इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पा रहे, उसका जवाब भला एक भिखारी कैसे देगा? भिखारी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी, उसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं था। जब राजा ने भिखारी का चेहरा देखा, तब राजा को एहसास हुआ कि शायद इस भिखारी को आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, एक बार इसकी बात अवश्य सुननी चाहिए। उस भिखारी ने कहना शुरू किया है कि राजन, इन फटे पुराने कपड़ों को देखकर आपके दरबार ही मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं अपने नगर में लोगों से दूर एक कुटिया बनाकर रहता हूँ, और दूर दूर से लोग मेरे पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आते हैं। वहां भी मैं ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इन फटे पुराने कपड़ों की अहमियत आपके राज्य में आकर खत्म हो गई। भला ऐसा क्यों है कि मेरे नगर में लोग मेरी इज्जत करते हैं, और यहाँ पर लोग मुझे भिखारी समझते हैं? इंसान तो मैं वही हूँ, कर्म भी मैंने वही किए हैं, तो मेरे कर्मों का फल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने से बदल क्यों गया? क्या स्थान बदलने से कर्मों का फल भी बदल जाता है? बड़ा ही अद्भुत सवाल था। सभी विद्वान अवाक रह गए, क्योंकि किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सम्राट ने सभी विद्वानों की तरफ देखा, लेकिन सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। सम्राट ने उस भिखारी से ही पूछा कि महाशय जी, आप ही बताइए कि क्या स्थान बदलने से कर्मों का फल बदल जाता है? इस पर उस भिखारी ने कहा कि राजन, अगर स्थान बदलने से कर्मों का फल बदल जाता है, तो फिर तो कर्मों का विधान, कर्मों का सिद्धांत एकदम गलत साबित हो जाता है। सिद्धांत का असली मतलब यही होता है कि जिस पर स्थान और उस समय का कोई प्रभाव ना पड़े। स्थान बदलने से कर्मों के फल नहीं बदलते हैं। कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए सही माहौल, या कहे कि सही वातावरण होना आवश्यक होता है।
जब सही वातावरण या सही माहौल मिलता है तो कर्मों का फल अपने आप मिल जाता है। मेरे नगर में उस तरह के लोग हैं जो ज्ञान को महत्व देते हैं, और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दिखावे को महत्व देते हैं, पहनावे को महत्व देते हैं, और इसीलिए यहाँ पर वो वातावरण नहीं है जो मेरे नगर में था, और इसीलिए मेरे कर्मों का फल मुझे मेरे नगर में तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन कर्मों का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। सही ऋतु आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। सम्राट को भिखारी की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी, और वह पूर्णतः उस बात को समझने के लिए उस भिखारी से कहता है, ये मास्टर जी आप बड़े ही विद्वान मालूम पड़ते हैं, मैं आपकी बात का आशय कुछ कुछ तो समझ रहा हूँ, लेकिन पूर्णतः समझने के लिए आपको उदाहरण के माध्यम से मुझे समझाना होगा, अपनी बात को पूरी तरह से आपको स्पष्ट करना होगा, तभी सब लोग यहाँ पर आपकी बात को पूर्णतः समझ पाएंगे। वो भिखारी कहता है कि राजन, मान लो तुमने एक पौधा लगाया, उसमें अच्छा पानी दिया, अच्छी खाद दी, लेकिन उसके बावजूद उसमें फल नहीं लग रहे, तो क्या इसमें तुम्हारे कर्मों की कोई कमी है? तुम तो अपने कर्म कर रहे हो लेकिन उसमें फल फिर भी नहीं लग रहे, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण सिर्फ यही होता है कि तुमने तो अपना कर्म कर दिया, अब वो पौधा पेड़ बनेगा और सही ऋतु आने पर ही वो फल देगा। वो ऋतु उस पेड़ के लिए माहौल है, वातावरण है, जब सही वातावरण उसे मिलेगा तो अपने आप उसमें फल लगने लगेंगे, लेकिन वो ऋतु आने से पहले ही तुम सोचने लगो कि मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिला ही नहीं, और तुम निराश हो जाओ तो इसमें तुम्हारी कमी है, क्योंकि सही वातावरण अभी मिला नहीं है। सही वातावरण, सही माहौल, यानी कि सही ऋतु आने पर उसमें फल भी लगे। एक व्यापारी जितना मुनाफा आपके नगर में सामान बेचकर कमाता है, हो सकता है किसी गांव या किसी पिछड़े इलाके में जाकर वो उतना मुनाफा नहीं कमा पाए। आदमी तो वही है, कर्म भी वही है, तो फल भी उसे वैसा ही प्राप्त होना चाहिए था। जगह बदलने से माहौल और वातावरण का फर्क पड़ता है। सम्राट ने भिखारी से प्रश्न किया कि महाशय जी एक बात बताइए, कर्मों का उचित फल प्राप्त करने के लिए वो वातावरण किस प्रकार से तैयार किया जाए? क्या हमारे वश में होता है कि हम वो वातावरण तैयार कर पाए, वो माहौल पैदा कर पाए? इस पर वो भिखारी कहता है कि राजन, तुम्हारे राज्य में बुरे कर्म करने वाले अच्छा फल प्राप्त कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, संपन्नता में अपना जीवन जी रहे हैं, और अच्छे कर्म करने वाले लोग दुखी हैं, बुरे कर्म करने वाले लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं। ये वातावरण, ये माहौल किसने पैदा किया? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे राजन तुम्हारी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। तुम्हारे अधिकारी अगर बुरे कर्म करने वालों को उचित सजा देते तो शायद ये माहौल, ये वातावरण कभी पैदा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे मंत्रिमंडल में ही ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो ऐसे माहौल को बढ़ावा देते हैं। रिश्वतखोरी, घूसखोरी, धोखाधड़ी, यह सब तुम्हारी नाक के नीचे चल रही है, और इसका जवाब तुम बाहर ढूंढ रहे हो, और तुम पूछ रहे हो कि यह माहौल कैसे बदलेगा। अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है ये माहौल बदलना। अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को सम्मिलित करो जो ईमानदार हो, जो अच्छे कर्मों का महत्व जानते हो। तो तुम ये माहौल नहीं बदलोगे तो प्रकृति खुद बदल देगी, क्योंकि जब भी अधर्म अपनी अति पर चला जाता है तो धर्म फिर से स्थापित किया जाता है। जब नदी में जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नदी का पानी छिड़कने लगता है, नदी में बाढ़ आ जाती है, और तब नदी अपना एक नया रास्ता बनाती है जिस पर वो आने वाले अनंत सालों तक बहती रहती है। उसी प्रकार जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब धर्म को फिर से स्थापित होना पड़ता है। चाहो तो तुम इस माहौल को पहले ही बदल दो, वरना तो तुम्हारी प्रजा अपने आप बदल देगी, वो तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर देगी, और तुम्हें इस राजगद्दी से उतारकर किसी ऐसे सम्राट को बिठाएगी जो ईमानदार होगा, जो कर्मों के महत्व को जानता होगा, जो अपनी प्रजा में सुख शांति की फिर से व्यवस्था कर पाएगा, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपने काम करने के तरीके में, अपने कर्म करने के तरीके में बदलाव नहीं करोगे तो लोग करेंगे, ये प्रकृति करेगी और बदलाव होकर रहेगा। सम्राट को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर संतुष्टि भरे मिल चुके थे। उसे समझ आ चुका था कि उसे अपने राज्य में क्या बदलाव करने हैं। सम्राट ने उस भिखारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और अपने राज्य में उचित व्यवस्था बनाने शुरू कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।